दोस्तों, आज की इस वीडियो में बैक वर्कआउट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर एक, वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन। दोस्तों, इसमें बार को अपने शोल्डर विड्थ के थोड़ा बाहर से पकड़ें और जब बार को नीचे लेके आएं तो अपनी बैक को स्क्वीज करें और ऊपर लेके जाएं तो लैट्स मसल्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें। यह लैट्स मसल्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे बैक तेजी से चौड़ी होती है। इसके 3 सेट 12 से 15 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, केबल रोप पुल डाउन। इस एक्सरसाइज को आपने केबल पुली मशीन से कुछ इस तरह परफॉर्म करना होता है। इसमें जब रोप को नीचे लेके आएं तो अपनी बैक को स्क्वीज करें, 2 सेकंड होल्ड करें और फिर ऊपर लेके जाएं तो लैट्स मसल्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें। इससे लैट्स मसल्स तेजी से बाहर निकलते हैं और बैक तेजी से चौड़ी होती है। इसके 3 सेट 12 से 15 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, बारबेल बेंट ओवर रो। यह एक्सरसाइज हमारी ओवरऑल बैक को ट्रेन करती है और हमारी लैट्स मसल्स को काफ़ी तेजी से डेवलप करती है। इस एक्सरसाइज को आपने बारबेल से कुछ इस तरह परफॉर्म करना है। इसके 3 सेट 12 से 15 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन। इसमें आपने क्लोज ग्रिप हैंडल का इस्तेमाल करना है और जब हैंडल को नीचे लेके आएं तो बैक को स्क्वीज करें और ऊपर लेके जाएं तो लैट्स मसल्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें। यह भी बैक के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसके 3 सेट 12 से 15 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, पुलअप। दोस्तों, यह एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है। इससे पूरी बैक ट्रेन होती है, बैक शेप में आती है और लैट्स मसल्स भी तेजी से चौड़े बनते हैं। इसे आप जिम या घर कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके 3 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 6, बैक एक्सटेंशन। दोस्तों, यह लोअर बैक के लिए काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। लोअर बैक काफ़ी स्ट्रांग बनती है और साथ में यह हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स मसल्स को भी टारगेट करती है। इसे आपने कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है। इसके 3 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के लगाने हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।